मेरी क्या आदत है, जब तक मुझे लास्ट वार्निंग नहीं मिलती ना तब तक मैं कोई काम नहीं करता, तब तक मेरे को आलस आता रहता है। अभी लखनऊ का कॉल आ गया है, मुझे लग ही रहा था कि वो लोग खुद भी लेट होंगे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, एक घंटा मस्त नींद ले लिया मैंने, मैं सुपर फ्रेश हूँ भाई, मस्ती मजाक होना चाहिए ना शादी में, उसके लिए एनर्जी चाहिए। मैं टायर्ड हो गया था बहुत ज्यादा, यू नो गाइस, यार यशी कर रही है लेट, मैं तो हो गया हूँ रेडी। सो मेरे दोस्तों, मैं हूँ तैयार, और आज मैंने और भानु दोनों ने पहना है सुरेश फैशन। अच्छी लग रही है यार शर्ट मुझ पे। उसने जो चीजें तोड़ी है, फोड़ी है, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। और मेरे, मैं ना इससे पूछ, मेरे को सामने, मैं ना अपनी जिससे लैशेस लगाते ना, वो चिमटी रख के लाई थी, वो खो गई, और फिर मेरे से वो लैशेस लग गई। कोई बात नहीं, बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसे गुस्सा मत किया कर भाई, इतना तेज गुस्सा, मेरे को भी गुस्सा आ रहा बहुत तेज, लेकिन मैंने मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया था, तेरे फोन में बता ही दिया था कि इसको गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था, पानू ने बता दिया, बोले दीदी गुस्सा करे, मैंने कहा फिर आराम से सो, अभी भी देख रही, मेरे को ये परेशान कर रहा है। इतनी चीजें क्यों लगा रही, अच्छी लग रही वैसे तू। अरे तो लगा, अब इकलौती तू लग रही है शादी में जाती हूँ। लो आपका परफ्यूम, लो भाई, देखो हम लोग है ना, ये लड़कियों का परफ्यूम है भाई, जब वो लड़कों का लगा सकती तो हम लड़कियों का लगा लेंगे हमसे भाई, बदबू मारने से तो बढ़िया है ना कुछ भी लगा ले, ये भी सही बात है ना। लगाओ तो सोचो भैया, इसको लगाने के बाद और मत बूम मारो, लखन भैया को ना ये मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया था, अगर तुम बहुत पसंद आया इसलिए तो लगा रहा हूं मैं। अरे बोल ले, सब लगा लिए, थैंक यू, ये कर रहा है चटा दिए यार, बस बोलते बोलते चलो यार। चलो गाइस, अब अपन लेट्स हो रहे हैं, भाई मेरी चाबी दो, चाबी नीचे है भाई। अरे भाई मैं भूल गया, होटल में आया हूं गाइस, ये देखो दिख चुके हैं हमें, पोस्टर लगवाए, यस, और देखो कितनी गाड़ियां खड़ी है। लो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे भाई के रिसेप्शन पे, गाइस फूलों की बारिश भाई शादी से अच्छा इंतजाम तो रिसेप्शन का कर रखा है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो रह गई पीछे, थोड़ा तेज तेज चला आज तो, लाइट पहना तूने, वो एक्चुअली कोई पचकली करने लग गया था, फिर मैं लखनी पुष्पा नाम सुन के पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, हम तो फायर है फायर, पुष्पा नाम समझ के कॉमेडी डाइट विद लखन भाई। देखो नाचना गाना सब हो चुका है अपनी जगह, सब कुछ, अब खाना हर बार ले जाते हैं भाई, पहले क्या खाओगे भाई, सब कुछ क्या, ये क्या है, आलू टिक्की, आलू टिक्की और कुछ लेना भी होगा भाई। हम वहाँ खाना खाने के लिए निकले थे, वहाँ रास्ते में से अटके एक स्टॉल पे अटक गए भाई, इतनी भीड़ आ गई, फिर हम यहाँ पर आके बैठ गए साइड में, तो भाई हम लोगों ने इन भैया को पकड़ लिया कि भैया आप लाके खिलाते रहो हम लोग को, वरना हम खा ही नहीं पाएंगे। सूरज के थोड़े ज्यादा फैंस आ गए थे, यूपी बॉयज, तो अभी हम लोग जब खाने बैठे थे, मैं वो टिक्की हाथ में ले रखी थी, तब नीतू दी का 5 मिलियन का और भम्मू का 100K का केक कट करने के लिए भी बुला लिया, तो हम वो भी नहीं खा पाए, तो अभी हम लोग आए अलग से यहाँ पे खाने के लिए, और वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि फिर हम लोग खा नहीं पाएंगे। रख दो भैया प्लीज, सब कुछ देखो भूख लगी ये देखो सबने बोल के गोलगप्पे मंगवाए, फाइनली इतना मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, गोलगप्पे भैया आपकी शादी, आप खाना खाने का चाह रहे हैं, हमारी थाली एकदम रेडी में है, रेडी में
भाई खाना पीना हो चुका है और क्या ही मस्त खाना था भाई आज। आज अच्छा था, आज पेट भर के खाया हम लोगों ने खाना, और ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया आज। अब थोड़ी देर डांस करेंगे, वैसे हम बुलंदशहर में और यहाँ जहाँ तक जब तक हमारी मर्जी चलेगी उतने बजे तक डांस, उतने बजे डीजे चलेगा। भैया यहाँ कितने बजे तक डीजे चलेगा? जितने बजे तक सूरज भाई चाहेंगे तब तक ये हमारे बॉडी गार्ड भैया। डब्बे रखे मिठाई के वो अपनी है, तेरे नहीं है, वो खाली है, खाली पागल चेक करके आता हूँ एक बार। ये वही है क्या? नहीं, इस बार ज्यादा अच्छे वाले, इस बार एक बोलेंगे एक, वो तीन पैकेट है, तीन पैकेट है अलग अलग भाई, बहुत सारे हैं तो इनके कौन खाएगा इतनी मिठाई? अपन खाएंगे, हम खाएंगे भाई, एक ट्रॉली गाड़ी की डिग्गी को। अरे तो यार यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, पकड़ और लेंगे मुझे जाते हुए। गाइस आपको एक बंदा दिखेगा, उसके सिर्फ पैर दिखेगा आपको, वो नहीं दिखेगा क्योंकि देखो क्या कर रहा है।
अरे भाई नींद का टाइम हो गया, इसका नींद का टाइम हो गया सच में। सूरज भैया अरे आ जाओ यार, अरे आ जाओ। क्या कर रहा है इसने? क्या हो गया? क्यों भाई तेरी हरकत कब सुधरेगी? ये आईलैशेस किसकी लगी हुई है यार? भाई कोई फैन वैन आके से चुपक गई रोने के लिए भाई। यशी चुपक गई, यशी तेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, मैं सच बता रहा हूँ। सही में आपने इतना गरीब आने को दिया फैन को? अरे मैं तो इधर ऐसे नाच रहा था एकदम से। तू कंधे पे लड़कियों को सर रख के रुलवाता है और उनकी लाशें उतर जाती है। बहुत बुरा यार ये, तेरी तो नियत ही ठीक नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ यार मैं। सच्ची में ये हक करा था ना आपने फैन को? यार साइड से कौन हक करता है, यहाँ लगी होती तो बोलते भी है। हां पीछे सकड़ने आई होगी तुझे यार, तू मेरे पीछे सकड़। अरे नहीं नहीं ये पता क्या करता है, जैसे इसके फैंस होते हैं उनको हक करता है, पीछे उनका वॉलेट निकाल लेगा, कभी कुछ कर लेगा, इसके ही तो काम रहता है। ऐसी थोड़ी बेकार आदमी नाम रखा हुआ है भाई यार, ये तो डब्बों पे लाइन लग गई भाई। भाई भानु निकाला अपने अपने आप उठा के लेके जा रहे हैं सब। हाँ हाँ हम लोग सब जा रहे हैं घर पे, नीतू दी ने ज्वेलरी वगैरह सब उतार दी है और ये बहुत थक गई है बेचारी। चलो जाओ बैठो, और इन्होंने हमें मना कर दिया है कि मर्सिडीज में जा रही है टीम इनकी। चले अब चल, बस एक बार गाड़ी निकले भाई, यूपी है, रात को नहीं निकलते यहाँ पे अकेले। हम लोग बोटल होटल पहुँच चुके हैं। बोटल हाँ बोटल पहुँच चुके हैं। तू लग रहा है यूपी में आके पागल हो गया। मजा तो आया, बहुत मजा आया भाई, मजा। और पैर रात के बज चुके हैं ढाई, और भाई फिर पता छाले उड़ गए। हाँ वो तो दिखे रहा जिस हिसाब से थे भाई, लंबी तुमको पिछले एक हफ्ते से मेरे को हाइट पे चढ़ा रहे, अब इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अपना तो पहले आ गया भाई, जाओ ना तुम वहाँ तक टहलती भी जाओ, छोटा रूम है तुम्हारा तो भाई, छोटे रूम में जाओ भाई, गुड नाइट। छोटा रूम हो तुम्हारा भाई, आप निकलो। मेरी याद आए ना इसी, मेरी याद आए तो बता दियो। चलो मेरे दोस्तों अब हम रेस्ट करते हैं, नाचे वाला यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।